और सीधे आपको वाराणसी ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर महिलाओं से संवाद करें, सीधी तस्वीरें देखिए। अच्छे कॉलेज में डालना चाहते हैं और उनकी पढ़ाई पूरी करवाना चाहते हैं। और अभी अच्छा पढ़ते हैं कि ऐसे ही? नहीं सर, पढ़ते हैं सर। वरना माँ सखी मंडल चलाती हैं, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम कर रही है, वो बैंक सखी बन गई है। सब कुछ देखते हुए करते हैं सर, अपने बच्चों का भी ध्यान रखते हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रखते हैं सर, अपनी मम्मी जी का भी साथ रखते हैं, ध्यान रखते हैं, और साथ साथ अपने सर गांव की महिलाओं का भी ध्यान रखते हुए हमारा जो कर्तव्य है हम उसको पूरा करते हैं सर। अच्छा, आप लखपति दीदी बन गई? जी सर। अब मेरा सपना है जी सर, और मैं यहाँ जो बहनें बैठी हैं उनको भी बताना चाहता हूँ जी सर, मेरा संकल्प है कि मैं देश में गांवों में जी सर, आप जैसे परिवार की जो माताएं बहनें हैं, इस देश में 2 करोड़ जी सर, 2 करोड़ माताओं बहनों को मुझे लखपति बनाना है। तो आपकी बात जब सुनेंगे ना तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि हाँ, लखपति दीदी बन सकते हैं। सर ये कहने की बात नहीं है, हम लोग बोल नहीं पाते हैं, हमारी तरह बहुत सारी दीदियां हैं सर जो समूह के माध्यम से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी है और लखपति दीदी बनी है सर। यहाँ बोलने को हर किसी को मौका नहीं मिलता सर, ये हमारा कितनी बहनें हैं जो लखपति दीदी बनी होगी यहाँ? सर हमारे गांव में कम से कम हर समूह से 2-4 महिलाएं तो बनी गई हैं। 2-3 महिलाएं बन गई जी सर। अच्छा, आपके समूह को मैं एक काम बताता हूँ, कर सकते हैं क्या? बताइए सर, प्रयास करेंगे पूरी तरह। देखिए, हमारे देश में जी सर आजकल शादी ब्याह होते हैं जी सर, तो वो खड़े खड़े खाने का रिवाज शुरू हो गया अब जी सर, तो लोगों को लगता है कि दोबारा मिलेगा ना, इसलिए थाली भर देते हैं जी सर, और फिर आधा छोड़ देते हैं तो खाना बर्बाद हो जाता जी है सर। किसी के घर में जन्मदिन है तो भी खाना बर्बाद हो जाता है। अगर आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें जी सर, उनको परोसना कैसे उसकी ट्रेनिंग हो जाए जी सर, उनके अच्छे कपड़े हो जाए, फिर वो हाथ में मोजे वोजे पहन करके, दस्तक पहन करके परोसने के लिए जाए ऐसे लोगों में जी सर, तो खाना तो बचेगा ही बचेगा जी सर, जो लोग आते हैं उनको भी अच्छी सर्विस मिल जाएगी जी सर, आपकी बहनों की कमाई हो जाएगी जी सर, और जब भोजन समारोह में जाते हैं तो घर जाते समय वो भी कहेंगे नहीं नहीं भाई, आप भी बच्चों के लिए थोड़ा ले जाइए जी सर, घर में न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा जी सर। तो मैं समझता हूँ एक ऐसा काम है कि जो लोग खाना खराब करते हैं जी सर, फेंक देते हैं, अगर परोसने की व्यवस्था नियम से बन जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। तो ऐसा काम कर सकते हैं आपकी बहनें? कर सकती हैं सर। तो सबको ट्रेन करोगे आप? जी सर बिल्कुल। और मैं भी योगी जी को बताता हूँ कि ऐसे लोग जो अपना समारोह करें जी सर, तो आप जैसे लोगों को बुलाएं और वो परोसना का काम संभालें जी सर। अच्छा, आपके गांव में स्वच्छता का अभियान का कुछ सोचते हैं लोग? जी सर, करते हैं सर, जगह जगह लगाए गए हैं, कूड़ा उसमें फेंकते हैं सर, फिर वहाँ से गाड़ी आती है, ग्राम पंचायत के जगह बनी है एक ठो, वहाँ पे ले जाते हैं सर। नहीं लेकिन उसमें तो कोई खाद बनाना, खेत में उपयोग करना, ऐसा कुछ हो रहा है क्या? ऐसा नहीं, शुरुआत हुई है सर। अभी अच्छा, थोड़ा समय लगेगा सर, किसी चीज की शुरुआत होती है सर तो उसको बनने में थोड़ा समय लगता है, फिर अभी तो शुरुआत हुई है सर, धीरे धीरे हो जाएगा व्यवस्था। अच्छा, यहाँ पशुपालन करते हैं आपके यहाँ? जी सर। तो मालूम है ये अमूल वाला डेयरी वाला दूध लेता है, अभी वो पैसे ज्यादा देता है पता है? वो पता नहीं है। चलिए चंदा देवी, आपने बहुत अच्छा बता दिया, बहुत बहुत बधाई आपको। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद चंदा देवी जी। अब आयुष्मान भारत के लाभार्थी श्री छन्नू लाल जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कल उन्होंने बात की थी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से, केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से, और आज उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। बातचीत का सिलसिला देखिए। ग्राम ट्रांस जिला वाराणसी, थाना मिर्जामला, ब्लॉक सेवापुरी का मूल निवासी हूं। सन 2005 में मैं पेड़ पर से गिर गया था, जिसके कारण मेरे बाएं पैर के कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। उसके लिए मैं बहुत परेशान था, बहुत काफी दिन से दुखी था, परेशान था, मेरे पास पैसा नहीं था,
प्राइवेट हॉस्पिटलों में उसकी कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए मांग रहे थे, उतना मेरे पास बजट नहीं था। फिर गांव में मेरी आशा दीदी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरा आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा दिया। उसी कार्ड के माध्यम से आज मेरे बनारस में बहुत बड़ा अस्पताल में इलाज हो सका मुफ्त में। और मैं प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, और मैं पूरे देशवासियों से अनुरोध करता हूँ कि जिनका आयुष्मान कार्ड न बना हो वो भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा ले तथा उसका लाभ उठाए। तो आपका ऑपरेशन कब हुआ? सितंबर में सर। अभी हुआ? हाँ। तो इतने सालों तक आप परेशान रहे? हाँ सर, सन 2005 में मेरी बचपना थी ना सर, बाली उम्र। तो फिर चलना फिरना हो सकता था? हाँ, चलना फिरना चलते फिरते थे लेकिन बैठ नहीं पाते थे, पालथी मार के मुकुरु मार के ऐसे चलता था। अभी ठीक हो गया? अभी नहीं, अभी तो पूरा दवा चल रहा है ना, अभी तो 3 ही महीना हुआ 3 महीना 10 रोज। हाँ, और आपको विश्वास है कि ठीक हो जाएगा? हाँ, तो अभी तो मेडिसिन चल रहा है ना सर। तो डॉक्टर ने जो बताया एक्सरसाइज करने के लिए? अभी एक्सरसाइज के लिए नहीं बोले हैं डॉक्टर, नहीं बोले हैं, बोले कि अभी 2 महीने तक दवाई खाओ, अभी सर्दी में पेन होगा, दर्द होगा। हाँ। 2 महीने तक दवाई खाओ, इसके बाद एक्सरसाइज बताएंगे। तो आपको कोई खर्चा हुआ क्या? नहीं नहीं, निःशुल्क सर। और अभी दवाई कहाँ से लेते हो? दवाई तो लेते हैं हॉस्पिटल से। नहीं, जन औषधि केंद्र से दवाई बहुत सस्ते में मिलती है, पता है? नहीं, वहाँ से मैं नहीं लेता हूँ। हाँ, तो जन औषधि केंद्र में 100 रुपये की दवाई 20 रुपये में मिल जाती है, सबको बताना चाहिए। तो गरीब का परिवार का अगर 100 रुपये की दवा लानी है तो 80 रुपया बच जाता है। ठीक है सर, तो ये सबको समझाइए। आपके गांव में आपने और लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए क्या? हाँ सर, बनवा हूँ, 10-15 लोगों को बनवा हूँ, और लोगों को बनवाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जल्द से जल्द अपना बनवा ले ताकि उसका लाभ जरूरत पड़े पे उठा ले। और किसी को अभी मदद पहुंची हो, ऐसा कोई और साथी जिसको जानते हो आप? नहीं नहीं, अभी तो उसका लाभ उठाने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा। प्रेजेंट टाइम में तो अभी अभी आयुष्मान कार्ड आपने ट्रीटमेंट करवाया? हाँ सर। तो डॉक्टरों का ऐसा तो नहीं था ना, ये मोदी जी का आदमी है, चलो जाओ बताए जल्दी जल्दी वैसे ही करके फेंक दो, ऐसा नहीं, तो नहीं किया ना? नहीं नहीं सर, उन्होंने मुझे 2 सितंबर को एडमिट किया, 4 तारीख को मेरा अप्रूवल आया, फिर उसके बाद रात में 4 तारीख को ही कैंसिल हो गया अप्रूवल मेरा। उन्होंने रोक लिया, बोले कि मैं कोशिश कर रहा हूँ दोबारा अप्रूवल आएगा तब मैं ऑपरेशन करूंगा, क्योंकि ये सरकारी काम है, जब तक अप्रूवल आएगा नहीं तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर 6 तारीख को अप्रूवल आया तो उन्होंने मेरा 8 तारीख को ऑपरेशन किया। और आपके परिवार को विश्वास हो गया कि मुफ्त में होगा लेकिन फिर भी अच्छा होगा, टांग काट नहीं लेंगे, ऐसा तो हुआ ना? हाँ सर, विश्वास हो गया है। हाँ। तो आपको संतोष है? हाँ हाँ, मुझे संतोष है, तभी ना मैं इतना दूर चल के आया हूँ। तो आगे क्या करोगे छन्नू लाल? आगे तो अभी अब ठीक हो जाएंगे, अभी तो 8 महीने से घर पर ही है ना सर, अभी तो दवा ही खा रहे हैं, जब ठीक होंगे तो फिर सोचेंगे ना। सोचना तो शुरू करो। अरे पहले ठीक तो हो जाएं। अरे चोट तो पैर को आई है, दिमाग को थोड़ी आई है। अरे सर, मैं अपने घर पे आप जहाँ पे बैठे हैं उतना दूर भी चल नहीं पाता। हाँ। दिन भर सोया रहता हूँ। हाँ। चेयर पे बैठा रहता हूँ। हाँ। ये तो आपके सभा में आने का मुझे चांस मिला, मौका मिला, तब मैं इतना कोशिश करके आ सका, और मैं अपने घर पे अभी दवा खाते ऑपरेशन के बाद अभी चल पा रहे हो? हाँ, तो अभी इतना भी नहीं चलता। हाँ। जितना आप से मेरी दूरी है। अच्छा। इतना भी नहीं चलता। चलिए छन्नू लाल, आपको आयुष्मान कार्ड बहुत काम में आया, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप एक काम जरूर कीजिए, जितनों को भी जानते हैं उनको बताइए कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आई है ना। हाँ। तो आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। जी सर। और कभी भी परिवार में किसी को भी मुसीबत आ जाए। हाँ। हम तो कहेंगे कि ना आए, लेकिन कभी आ जाए। हाँ। तो 5 लाख रुपए तक खर्चा जो है। हाँ। मोदी कर देगा। चलिए ठीक है सर। तो बताओगे सबको? हाँ सर, कार्ड बनवा दोगे? हाँ, मैं बोलूंगा सबको कि आप लोग अपना अपना कार्ड बनवा लीजिए। अरे मदद भी कीजिए ना। मदद भी कर देंगे सर। चलिए, बहुत बढ़िया, मदद भी कर देंगे। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद छन्नू लाल जी। अब इस कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में बारी है सम्मान की। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और लखपति महिला श्रीमती चंदा देवी जी को
सम्मानित करें। और ये एक सुंदर अवसर है, अद्भुत अवसर है कि आप हमारे बीच सभी को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए हैं। श्रीमती चंदा देवी जी, जोरदार तालियों से इनका। फिर आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के साथ सम्मानित कर रहे हैं लखपति योजना के तहत जो लाभार्थी हैं उनको प्रधानमंत्री यहां सम्मानित करते हुए, और आयुष्मान योजना से लेकर तमाम केंद्रीय योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनसे खुद प्रधानमंत्री ने बात की, समझा कि किस तरह से केंद्र की योजनाओं का आखिरी पंक्ति में बैठे शख्स तक लाभ पहुंच पा रहा है, और लखपति योजना के तमाम लाभार्थियों को प्रधानमंत्री इस समय सम्मानित कर रहे हैं। सेवापुरी में ये कार्यक्रम जहां प्रधानमंत्री लाभार्थियों से बात करने के बाद उनका सम्मान करते हुए, और साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ा मौका वाराणसी के लिए, क्योंकि 37 परियोजना जिनकी लागत लगभग 20,000 करोड़ है, इसकी सौगात काशी वासियों को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में, देखिए छोटे से बच्चे को प्रधानमंत्री ने पकड़ा, दुलारा, हाथ मिलाया, और देखिए पूछा भी है कुछ, पढ़ाई लिखाई को लेकर मुमकिन है बात कर रहे हो प्रधानमंत्री। कल एक स्कूली बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने कल भी मुलाकात की थी, और आज एक बार फिर से अपने तालियों से इस बच्चे आशीर्वाद देकर और बच्चे को भी यहाँ सम्मानित किया है। और इसके बाद देखिए बेहद खुश ये छोटा सा बच्चा प्रधानमंत्री के हाथों सम्मान पाकर। कई स्कूली बच्चे यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, वो महिलाएं जो बीजेपी की सरकार के योजनाओं की सबसे बड़ी लाभार्थी हैं, और उनका सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और छोटी सी बच्ची जिसको प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं उससे भी बातचीत की, देखिए पूछा है, दुलारा, साथ में मौजूद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तालियों से आस्था जी को आशीर्वाद दें। और अंत में बच्ची का नाम आस्था है, जैसा कि बताया जा रहा है। और देखिए पीएम पढ़वा रहे हैं, जो सम्मान वाला हिस्सा है वहां पीएम की तरफ से पढ़वाया जा रहा है। पढ़कर बताएं कि आखिर क्या है, और बच्ची पढ़कर पीएम को सुना रही क्या लिखा गया है। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बड़े ध्यान से सुनते हुए। योगी आदित्यनाथ भी कई बार स्कूलों का दौरा करते हैं, इसी तरह से जानते समझते हैं कि स्कूलों की पढ़ाई की आखिर शिक्षा का स्तर क्या है। और देखिए खुद प्रधानमंत्री ने, कार्यक्रम चल रहा है, बच्ची को सम्मान दिया गया, और उसी सम्मान से जुड़ा जो लेटर है उसको पढ़कर सुनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए इस छोटी सी बच्ची से, और बच्ची एक एक वर्ड जो है वो पढ़कर पीएम मोदी को सुना रही है। कल भी तस्वीरें आई थी जब प्रधानमंत्री ने बच्चों से बात की थी, स्कूल में बच्चों से पहुंचकर कई सारे सवाल जवाब किए थे, और आज इस बच्ची से पढ़कर वो सुन रहे हैं सम्मान का वो हिस्सा। देखिए किस तरह से बच्ची ने पढ़कर सुनाया, पीएम ने पीठ थपथपाई, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खुश होकर ताली बजाई, तमाम लोग भी खुश। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थी जो है उनसे प्रधानमंत्री मुखातिब हो रहे हैं। एक और बच्ची, नाम पूछा पीएम ने, नाम बताया, और क्लास से लेकर तमाम चीज़ें जो हैं वो पूछी जा रही हैं। पीएम उत्साह बढ़ाते हुए, बच्चों से बात करते हुए, कुछ समझाते हुए भी, देखिए ये प्रधानमंत्री की बातचीत, पढ़ाई लिखाई समझाते हुए, दुलारने के साथ समझाते हुए, और ये सम्मान दिया गया इस छोटी सी बच्ची को। साथ में मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद के तौर पर भी यहाँ हैं, और इसी के साथ ये कार्यक्रम का जो हिस्सा था संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से बात की, उनको सम्मानित किया, तमाम महिलाओं से बात की, और देखिए खुद अभी लोगों से बातचीत करने के लिए पीएम इन लाभार्थियों के बीच में हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, वाराणसी से ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारी बारी से बात की, और अब लाभार्थियों के बीच में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनसे जान समझ रहे हैं कि योजनाओं का लाभ कैसा मिल रहा है, क्या फीडबैक है, सुधार की गुंजाइशों पर भी बात की। योजना का लाभ लेने के लिए कोई कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, पैसा तो नहीं देना पड़ा, ये भी पूछा गया है, प्रधानमंत्री ने खुद पूछा। और तमाम लोग इस समय यहाँ मौजूद हैं लाभार्थी केंद्र की योजनाओं के, उनसे प्रधानमंत्री मोदी मुखातिब हुए, बातचीत की, और अब इसी के साथ कार्यक्रम का हिस्सा संपन्न हुआ। साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी, और प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में शामिल हुए,
कल भी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बात की थी प्रधानमंत्री ने। काशी तमिल संगमम में पहुंचे थे और आज स्वरवेद बंदर का उद्घाटन करने के साथ ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई और एक बार फिर से केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। ये तस्वीर देखिए, छोटा सा बच्चा है, उसको सम्मानित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्साह बढ़ाया और इसके बारे छोटी बच्ची थी उससे प्रधानमंत्री ने बात की, उससे पूरा सुना कि आखिर जो अवार्ड वाला लेटर है सम्मान, उस पर लिखा क्या क्या गया है। इस बच्चे से भी कई सवाल पूछे प्रधानमंत्री ने और ये दिखाती है तस्वीर कि आखिर किस तरह से एक उपलब्धता वाली पहलू है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र के बच्चों से बात कर रहे हैं। एक संदेश भी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि तमाम सांसद विधायक जाएं अपने अपने क्षेत्रों में और योजनाओं के लाभार्थियों से बात करें, जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है उन तक भी योजना का लाभ पहुंचे सुनिश्चित करें। उसी सिलसिले में खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाला। केंद्र की योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की, उनसे उनकी बात सुनी और कई बड़ी सौगातें आज वाराणसी को मिली हैं, 20,000 करोड़ की सौगात।